दोस्तों, पिछले कुछ दशकों से देखा जा रहा है कि जानवरों के विलुप्त होने की दर तेजी से बढ़ रही है। उनका एक्सटिंक्शन होना नेचुरल कॉजेस से ज्यादा ह्यूमन कॉजेस की वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन की वजह से ज्यादातर जानवर इस धरती से गायब हो रहे हैं। इंसान अपने मतलब के लिए इस धरती को बर्बाद कर रहा है, जंगल काट रहा है और अपनी खुशी के लिए जानवरों का शिकार कर रहा है, जिसकी वजह से जानवर गायब हो रहे हैं। आज भी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा जानवर की ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के जोखिम पर हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें से कुछ जानवर हाल ही में विलुप्त हुए हैं जो कुछ समय पहले ही दुनिया में मौजूद थे। तो दोस्तों, हम आपके लिए आज इस वीडियो में टॉप 10 ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो पहले इस धरती पर पाए जाते थे लेकिन अब उन्हें इस धरती पर नहीं देखा जाता। नंबर 10, तस्मानियन टाइगर। तस्मानियन टाइगर 30 के दशक में विलुप्त होने वाले ऐसे जीव थे जिन्हें आखिरी बार 1936 में देखा गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उसके बाद ये कभी नहीं दिखे। इनकी बनावट आगे से किसी भेड़िए की तरह दिखती थी, जबकि शरीर के पिछले हिस्से पर बाघों जैसी पट्टियां बनी होती थी। ये आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में ही पाए जाते थे और मुख्य रूप से शिकार की वजह से ये विलुप्त हो गए, लेकिन कुछ जंगली जीवों ने भी इनका काफी शिकार किया था जिससे आबादी कम होती चली गई। इसके अलावा बीमारियों ने भी इन तस्मानियन टाइगर्स की जान ले ली और अब तस्मानियन टाइगर्स की एक भी आबादी धरती पर नहीं बची है। नंबर 9, राइनोसोरस गैंडे। यानी कि राइनोसोरस दुनिया में ऐसे जानवर हैं जिन पर विलुप्त होने का खतरा है, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में इनके अत्यधिक शिकार से इनकी बहुत सारी उप प्रजातियों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। इन्हीं में से एक काले गैंडे साल 2008 में विलुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में आ गई थी और 2011 में इन्हें विलुप्त ही घोषित कर दिया गया था। आज दुनिया में एक भी पश्चिमी काले गैंडे नहीं है। नंबर 8, आइवरी बिल्ड वुडपेकर। कठफोड़वा की एक हाथी के दांत की जैसी चोंच वाली प्रजाति एक समय में उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा कठफोड़वा वाली प्रजाति थी। साल 2021 में अमेरिका के मछली और वन्य जीव सेवा ने इस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया। अभी इनका समीक्षा काल चल रहा है जिसमें अगर ये देखे जाते हैं तो इनके विलुप्त होने का दर्जा खत्म हो सकता है, लेकिन पिछली बार इन्हें ईयर 1987 में देखा गया था। नंबर 7, बूबल हर्ड बीस्ट। बूबल हर्ड बीस्ट भी 50 के दशक में ही खत्म हो गए थे। ये आम तौर पर सहारा रेगिस्तान के उत्तरी इलाकों में पाए जाते थे। ये रेत के रंग के होते थे और ये मोरक्को और मिस्र में भी दिखाई देते थे। 19वीं सदी में इनकी संख्या तेजी से घटने लगी क्योंकि कॉलोनियल मिलिट्री द्वारा इनकी पूरी आबादी को मार डाला गया था। कहते हैं कि आखिरी जीव को 1902 में मारा गया था, लेकिन कुछ जीव बच गए थे जो कि 20वीं सदी में आते आते खत्म हो गए क्योंकि ये इंसानों के बढ़ते वर्चस्व में जीवित नहीं रह पाए। नंबर 6, कैस्पियन टाइगर। कैस्पियन टाइगर को 1970 में ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा 2003 में की गई थी। ये बाघ आमतौर पर पूर्वी तुर्की, उत्तरी ईरान, मेसोपोटामिया, कैस्पियन सागर के आसपास का इलाका, मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक मिलते थे। इन्हें चीन, रूस और यूक्रेन में भी देखा जाता था। ये साइबेरियन और बंगाल टाइगर के बीच की आकृति के होते थे। इन्हें बालखास टाइगर, हेरकेनियन, तुरानियन, मेजेंडेरियन टाइगर भी बुलाया जाता था। ये इंसानों द्वारा शिकार किए जाने की वजह से समाप्त हो गए। नंबर 5, स्पिक्स मैकाओ। साल 2011 में एक एनिमेशन फिल्म बहुत मशहूर हुई थी जिसका नाम था रियो। इसका मुख्य पात्र रियो ब्राजील में पाए जाने वाले स्पिक्स मैकाओ थे। आखिरी बार ये जंगली पक्षी ब्राजील में 2016 में देखे गए थे। इसे भी साल 2019 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। फिर भी कई जगह ये पिंजरों में रखे बताए जाते हैं, लेकिन अभी इनके बारे में यही माना जाता है कि ये भी विलुप्त हो गए हैं। नंबर 4, पायरिनियन आइबेक्स। ये बेचारे तो साल 2000 से 2003 के बीच ही खत्म हो गए थे। आमतौर पर फ्रांस के कैटेब्रियन माउंटेन्स और उत्तरी पायरिनियस में पाए जाते थे ये। इन्हें भी शिकार करके खत्म कर दिया गया। इनके सींगों, खालों और हड्डियों के लिए इनका शिकार किया जाता था। इसके अलावा इनके इलाकों में अन्य घास चरने वाले जीवों के आने की वजह से चारा भी खत्म हो गया था। तो दोस्तों, अब हम टॉप 10 की लिस्ट में से टॉप 3 की लिस्ट में आ गए हैं। तो नंबर 3 पर है यूनान लेक न्यूट। यूनान लेक न्यूट भी 70 के दशक में खत्म हो गए थे।
ये एक खास तरह के सोलामेंडर यानी कि छिपकलियां होती थी जो कि चीन के यूनान प्रांत में पाई जाती थी। 1979 के बाद इन्हें कहीं भी देखा नहीं गया। माना जाता है कि इनका रहवास खोने, प्रदूषण और अन्य प्रजातियों के जीव के आने की वजह से ये भी विलुप्त हो गए। नंबर 2, जापानीज सी लायन। जापानीज सी लायन भी 50 के दशक में विलुप्त हो चुके थे। हालांकि इनका एक आखिरी जीव 1970 में अंतिम बार देखा गया था। ये समुद्री लायन जापानीज आर्किपेलागो और कोरियन प्रायद्वीप के आसपास ही रहते थे। ये रेत पर ब्रीडिंग करते थे। इंसानों ने इनका शिकार 1900 तक बड़े धड़ल्ले से किया जिसकी वजह से इनकी मात्रा कम होती चली गई और फिर ये विलुप्त हो गए। नंबर 1, वूली मैमथ, मैमुथस प्रिमिजेनियस। वूली मैमथ सभी मैमथ प्रजातियों में सबसे प्रसिद्ध है। ये लगभग 7500 साल पहले अंतिम हिमयुग की समाप्ति के बाद ये विशाल जानवर विलुप्त हो गए, जबकि जलवायु परिवर्तन उनके विलुप्त होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि मानव भी उनके निधन में एक प्रेरक शक्ति हो सकते हैं, या कम से कम अंतिम कारण तो हो ही सकते हैं। व्यापक शिकार और एक गर्म जलवायु के तनाव एक घातक संयोजन है, और ऐसा लगता है कि शक्तिशाली मैमथ भी बदलती दुनिया में मानव भूख का सामना नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ये लिस्ट छोड़कर अगर आपको कोई एक्सटिंक्ट एनिमल के बारे में पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।